बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर शौक से घर में जानवर पालते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, दुम्बा हो गया, लेला हो गया, बकरा हो गया, गाय, भैंस, इस तरह के जो जानवर पालतू जानवर बड़े शौक से पालते हैं, ये उनके लिए। दोस्तों यानी कि इस तरह के मैं नाम लेता जाता है कि फला चारा खिलाता हूँ, मगर वो अच्छा तंदुरुस्त नहीं नज़र नहीं आता। इसकी वजह क्या है? तो भाई, अच्छा चारा खिलाने से जानवर मोटा नहीं होता। इसकी मैं एक आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो नुस्खा बता रहा हूँ, अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका जानवर मोटा भी नज़र आएगा, इंशाल्लाह वो दुबला पतला नज़र नहीं आएगा। तो इसका जो वजह क्या है, वजह यह है कि हम जो चारा है वो डालते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, मगर हमारा जानवर जो है ना, उसका जो अगर मैदा है जो ना, मैदा अगर हीट कर जाए तो मैदा हीट करने की वजह से उसका जो मैदा हीट हो जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा मस्ती करेगा, मस्ती करने की वजह से तो जानवर तंदुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि वो उसके जैसे हम वो खुराक या चारा डालते हैं अच्छी अच्छी उसको चारा खिलाएंगे, मगर जो उसका कोई फ़ायदा ही नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, चारा चाहे आप यही घास खिलाएं, यानी कि अच्छा चारा में यही होता है कि घास अच्छा से अच्छा घास दें, वक्त पर पानी पिलाएँ, तो आपको दाने वगैरह या खाल हो गया या चोकर हो गया ये खिलाना, या वंडा हो गया ये खिलाने का कोई आप कोई चीज़ इस तरह की चीज़ नहीं खिलानी। बस आपने सिर्फ उसे घास ही डालना है, अब वक्त पर खिलाना है, पेट भर कर खिलाना है, और उसे वक्त पर पानी पिलाना है। बस एक नुस्खा जो बताने जा रहा हूँ, वो उस नुस्खे को तो आपने हर हफ्ते में एक बार लाजमी देना है, हफ्ते में एक बार लाजमी देना है। यानी कि आपने ऐसा नहीं करना है कि एक हफ्ते दिया फिर आपने छोड़ दिया, नहीं, आपने 3 महीने रखे, चाहे आपके पास जानवर रहे, चाहे 5 महीने रहे या 6 महीने रहे, चाहे 1 साल रहे, तो मगर आपने जो ना उसको वो नुस्खा ज़रूर खिलाना है। तो नुस्खा बताता हूँ, मगर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों नुस्खा ये है, आपने क्या करना है कि अगर आपके पास बकरा या लेला या भेड़ बकरी है तो उसके लिए आप दही लेनी है आपने 1 पाव, ठीक है, और 7 तेल लेना है, सरसों का तेल एक यानी कि 50 ग्राम आपने तेल लेना है। तो अगर आपके पास जानवर बड़ा है, यानी कि बैल हो गया या फिर गाय या भैंस वगैरह है, तो आपने क्या करना है, 1/2 किलो दही कर देनी है, तो यानी कि 100 ग्राम यानी कि आपने तेल कर देना, सरसों का तेल 1 नंबर हो, सरसों का तेल वो ले लेना, ठीक है। तो एक आपके पास खाली बोतल होनी है, तो बताते हैं कि आप तेल और दही को किस तरह मिक्स करके जानवर को पिला सकते हैं। तो दोस्तों हमने दही को डाल दिया है बोतल में, अब डालेंगे इसमें तेल, तकरीबन 50 ग्राम, तो तेल भी हमने डाल दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।